हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है और इसमें 1 to 5 और 6 to 8 के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना पोर्टल यहाँ पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर देखिए, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा जैसे ही डालेंगे, देखिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, पहले आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, इंटर फर्स्ट नेम, लेकिन ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है, केवल वही अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम एवं माता का नाम अंकित करेंगे जिनका फॉर्म भरते हुए पिता का नाम एवं माता के नाम में त्रुटि हो गई है। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो ही इसको भरिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे किसी अभ्यर्थी का फॉर्म भरते हुए पिता का नाम ये सब हुआ है तो ही अपना यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपलोड पासपोर्ट फोटो पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, मीडिया में जाकर और फोटो जैसे आप लोग लेके आएंगे उसके, देखिए जो फोटो का साइज है वो इतना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड फोटो पासपोर्ट फोटो पे, इस पर जैसे ही आप लोग जाएंगे और आप लोग फोटो जैसे ही अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फोटो आपकी आ जाएगी। आप फोटो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर सबमिट इमेज पे यहाँ पर नीचे यहाँ पर करेंगे, सबमिट इमेज पे जैसे ही सबमिट करेंगे इस तरीके से लिखेगा, गो बैक टू योर डैशबोर्ड एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। फिर आप लोग फिर से उसी तरीके से अपना डैशबोर्ड ऑन करेंगे और उसमें आपको साइड में डैशबोर्ड पर यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पर टिक करना है, उसके बाद यहाँ पे कोड डालना है और डाउनलोड एडमिट कार्ड करना है। ठीक है, जैसे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाएंगे इस तरीके से आपके सामने आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए 1 to 5 और 6 to 8 दोनों की टाइमिंग के लिए हिसाब से यहाँ पर दिया गया होगा कि आपके पेपर आपका कहाँ होगा। ठीक है, ज़िला आपका यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मुजफ्फरपुर यहाँ पर दिया गया है, सेम है, कोड के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।